गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीमान, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? सब लोग बढ़िया। एकदम एकदम कुशल मंगल, एकदम सब शानदार, आनंद है। सो आपने अभी आपको डायमंड में 7 मंथ्स हो गए आई थिंक, करेक्ट? यस सर। तो 7 मंथ्स में, हम जो बोलते हैं 10x 10 टाइम्स, तो 7 मंथ्स में आपने अपनी लाइफ में अपनी इनकम को कितना परसेंट किया है, मतलब कितना टाइम्स किया है एक्चुअल? सर इन 7 मंथ्स में अभी तक अराउंड 4 टाइम्स हुआ है। फोर टाइम्स हुआ है, मतलब यस सर। आपकी इनकम, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आपकी इनकम दिसंबर में आपने ज्वाइन किया था तो दिसंबर में जी अगर 1 लाख थी तो राइट नाउ इट्स 4 लैक्स, करेक्ट? यस सर। एंड दिमान, आपका ओवरऑल, अभी आप डायमंड में हो तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है अबाउट ऑल द सेशंस? सर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकली मॉर्निंग मिरेकल 21 डेज मॉर्निंग है। मैं इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ दैट जो 6 ड्रिंक्स थे तो उसमें से भी मेरे 4 जो गोल्स थे वो अचीव हो गए हैं। एक अर्निंग का था। जो आप 6 में से आपने लिखे थे, 4 अचीव हो चुके हैं ना जो इन 6 महीने में? वेरी जी नाइस, सर दैट इज द वो भी पावर, सर दैट इज द मतलब पावर। यस, वो भी सर डिफरेंसेस क्या है। एक पहला जो था दैट इज अर्निंग वो अचीव हो गया। देन देयर वॉज वन रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स दैट्स ऑलवेज बेटर। एक था ड्रीम फ्लैट में रहना, उसका स्टार्ट हो गया है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है। एंड फोर्थ वॉज देयर वॉज अ वन यूरोप ट्रिप विथ फैमिली, वो आपने कर लिया है। वो हमने कर लिया है। एक था दैट आई वॉज डूइंग मतलब की हो एंकरिंग पार्ट इन माई कंपनीज एनुअल मीटिंग एट एनुअल बाकू, मीटिंग, वो भी हो गया। सो 4 हो गया, 5th में हाफ पे है अभी तक वेरी आउट ऑफ नाइस। द तो 6। सी, आप अभी जितना आप जो गोल लिखते हैं ना, आपको लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, बट सी, जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आपका गोल आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। एंड इसका एग्जाम्पल है धीमान और नंद किशोर और बहुत सारे ऐसे डायमंड मेंबर्स और बहुत सारे लोग। आप जो भी लिखते हैं ना, उसकी पावर है ना, आप जो लिखते हैं और पूरे डेडिकेशन से लिखते हैं, प्योरिटी से लिखते हैं और मैसिव एक्शन लेते हैं, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। सो धीमान, सो नाइस टू हियर दिस। यस, सर आपको वैसे तो बोलना। बहुत सारा चीज है, लेकिन उनमें से एक चीज और ऐड करना चाहूंगा हर एक गोल्ड मेंबर्स को, स्पेसिफिकली गोल्ड या प्लेटिनम, हालांकि इसमें तो सब डायमंड ही है, कि कोचिंग लेना, या बहुत सारे कोचेस रहते हैं सर, लेकिन जिस हिसाब से आप जितना अच्छा हैंड होल्डिंग करते हैं उतना अच्छा कोई नहीं करता। उसका एक छोटा सा बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा। इन मिरेकल में जब हम गए थे, मेरा एक विजन था, एक इच्छा थी कि सबके सामने बोलना, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ स्पीकर ऑल्सो। धीरे धीरे मैं अपने इसको हटाना चाह रहा था, अपने लिमिटिंग बिलीफ को। सो आपने पूरा एक सेशन दे दिया था अराउंड 10-15 मिनट्स का, कि दैट यू कैन स्पीक, एंड वो एक पूरा सेशन दे दिया था। तो दैट इज द वन थिंग सर, कि इसमें जो जितना अच्छा आप हैंड होल्डिंग करते हैं दैट्स अ वेरी थैंक गुड। यू, थैंक और यू। एक चीज और था दैट इज ग्राफोलॉजी का, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि ग्राफोलॉजी तो हम लोग कर ही रहे हैं सर। तो इवन हम लोग जो मॉर्निंग में जो मैं विशेष भी लिखता हूँ वो एज पर द ग्राफोलॉजी और उस करता। तो कल ही इनफैक्ट की बात है कि कल मैं लिख रहा था तो वाइफ आके बोली कि अरे आपकी तो राइटिंग बड़ी अच्छी हो गई है आजकल। तो एंड एवरीवन, एक चीज और, दिमाग ने जो एडवांस ग्राफोलॉजी में सीखा, वो एडवांस ग्राफोलॉजी में जो चीजें सीखी उसको इंप्लीमेंट किया और इस कारण से इनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। एम आई राइट? यस सर डेफिनेटली। स्पेसिफिकली आपने 3-4 चीज अल्फाबेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। वन इज ऑन टी, वन इज ऑन वाई, वन इज ऑन वाई जी, एंड वन इज ऑन एफ। ये 4 पे, तो ये चारों पे मैं उसी उसमें ही लिखता हूँ एज पर द एडवांस ग्राफोलॉजी टेक्निक्स। ओके, ओके, ग्रेट टू सी दैट। एंड हम लोगों ने, आपको याद है, शुरू में डायमंड में आपके साथ वो सेशंस किए थे जिसमें आपने एक एक मिनट की अपनी वैल्यू निकाली थी। सो हाउ वाज दैट? यस वाज सर इट अ गेम चेंजर फॉर सर यू? यस सर परफेक्टली सर। लाइफ में व्हाट आई फील कि अवेयरनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल, मतलब अवेयरनेस का ही सारा खेल है इस लाइफ पे। तो 100%। दैट ऑलवेज इंक्रीजेस द अवेयरनेस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर कि अवेयरनेस से कैसे होता है। कि सपोज हम लोग पैसा बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करवाना भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फंड्स। नॉर्मली सर अगर आपका अवेयरनेस नहीं होगा तो आप जो 100 रुपए आप अर्न कर रहे हो तो उससे हो सकता है आप 103, 104, 105 ही अर्न कर पाओगे। लेकिन जब आपका अवेयरनेस बढ़ जाएगा तो आप उससे मल्टीप्लाई करवा सकते हो। फॉर इंस्टेंस बिल्कुल
इन जनरल अगर आपके पास अकाउंट में 10 लाख है और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको मैक्सिमम उसका 2.73% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। जब आप अवेयरनेस हो जाओगे तो उसमें से हो सकता है आपने थोड़ा एफडी कर दिया तो हो सकता है और बढ़ जाएगा। अगर आप और अवेयर कर हो गए तो आप म्यूचुअल फंड्स में करेंगे या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या किसी इस चीज में करेंगे, तो ये सारा चीज रहता है सर। तो अवेयरनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। और वो उसका इनिशिएशन जो था सर वो वहीं से हुआ था जब आपने वो पर मिले पर 1 1 आवर का था, फिर उसको मिनट फर्स्ट 1 मिनट का ये था। सो देन इससे क्या होता है कि सर अगर आप डे में कभी भी ऑफ द ट्रैक भी जाते हैं तो आप इमिडिएटली यू वापस कैन कम अलाइंड हो बैक, जाते हो। यस, 100% अलाइन हो जाते। 100% कैन अंडरस्टैंड, कैन अंडरस्टैंड। वेरी नाइस टू हियर दिस दिमान, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस। आपने अपनी इनकम को 4 टाइम्स किया है इन लास्ट 6 मंथ्स, रिलेशन अच्छे किए हैं, अपने 6 में से 4 गोल्स अचीव कर लिए जो हम 6 गोल्स लिखते हैं। सो नाइस टू हियर दिस। तो आपने जो इन्वेस्ट किया था डायमंड के अंदर, उसका रिटर्न कितने टाइम्स मिला आपको? थैंक सर वो तो अनगिनत है सर। यू सो मच। अच्छा सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बाकी फेलो पार्टिसिपेंट्स को, कि ये डायमंड का पैकेज या ये कोर्स कितना बढ़िया है इसके लिए किसी के टेस्टिमोनियल की जरूरत ही नहीं है सर। वो बस आपका पहला वीडियो उस डायमंड कोर्स में जो वीडियोस है वहां का वीडियो और आपका प्रेजेंट वीडियो कोई देख ले, देर इज सो सो लॉट ऑफ चेंज इन योर प्रेजेंटेशन। हम लोगों को थैंक तो यू, वो नहीं जानते आपके में सर, थैंक यू इवन सो मच, थैंक यू। वेरी मतलब कि द ग्लो अभी आपका जो है द फिजिक है तब भी सर बहुत बढ़िया था, लेकिन इस समय इट इज अप टू द नेक्स्ट लेवल। तो थैंक यू सो अगर मच, इसी थैंक को ये समझना है कि कितना चेंजेस होता है सर, वो कुछ नहीं, वो आपका 1 साल या 1.5 साल पहले का जब भी वो वीडियोस थे और अभी का प्रेजेंट वीडियो देखेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच धीमान। सो नाइस टू हेयर दिस, एंड सो नाइस टू हेयर अबाउट योर जर्नी, वेरी नाइस। एंड आप अजमेर आए थे जो फिजिकल इवेंट में, वहां का एक्सपीरियंस के साथ अच्छा था? सर वो तो माइंड ब्लोइंग था सर, माइंड ब्लोइंग। एंड जिस अमाउंट में मतलब कि फिजिकल अमाउंट जो था उसका तो वो शायद मुझे लगता है कितने थाउजेंड टाइम्स उसमें हाँ हमने एक्चुअली वो क्या वैल्यू धीमान, लिया हम था। लोग जो फिजिकल इवेंट्स करते हैं ना, वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते, बिल्कुल जो हाँ कॉस्टिंग आती है ना उसमें भी हमारी जेब से हम लोग लगाते हैं हर फिजिकल इवेंट जाता में, है सर, वो जाता है सर, वो देख के ही लगाते समझ में हैं। आ रहा था सर, हाँ वो बिकॉज लगाते हैं क्योंकि बिकॉज हमको ये वो दिल से करते हैं एक्चुअली, कि लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा होगी उनकी लाइफ पर, उनको ये मोमेंट याद रहे जब यहाँ अजमेर आए हैं। बिल्कुल। एंड स्पेसिफिकली सर एक एक सेशन बिकॉज एंड सबसे अच्छी बात है सर कि वो अर्ली मॉर्निंग से मतलब कि 9 क्लॉक से स्टार्ट होता है एंड रात के 9 बजे तक चलता है अराउंड सेकेंड डे स्पेसिफिकली, उसके बाद भी चला था। एंड पीपल कोई भी पार्टिसिपेंट्स को वो टाइम पता ही नहीं चलता है, इट जस्ट पासिस ऑफ जस्ट लाइक दिस। एंड यस सर थैंक यू सो मच। दो चीजें सर मैं चाहूंगा सर कि स्पार्क ये मिरेकल्स जो है सर उसको एटलीस्ट टू आइस या थ्राइस हाँ सर बिल्कुल इन करेंगे, इस साल वापस होने वाला है, आप हाँ लोग आने वाले हो, इस बार हम जी थोड़ा फॉरेस्ट टाइप जगह करने वाले हैं जहां पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, यू लव दैट एक्सपीरियंस। थैंक यू दिमान फॉर योर शेयरिंग एंड फॉर योर अचीवमेंट्स, थैंक्स। ऑसम।